कपिल ने 200 रुपए रखे थे अपने पास, एक 100 का, एक 50 का और 3 नोट 50 के, 5 10 10 के, सब गायब हो गए। और दीदी जो है आइसक्रीम बना रही है, ये बोने आइसक्रीम है निवोने नहीं, ये दूध जमुनी। कल जो है आइसक्रीम लाया था मैं इनके लिए, तो इनके सिर में बस भूत चढ़ गया कि जो है हम अब दूध फ्रिज में डालेंगे और आइसक्रीम बनाएंगे। तो मैंने कहा रुको जरा रुको, हम कुल्फी का जो है पाउडर मंगाया है, कुल्फी का मतलब एक प्रीमिक्स आ रहा है अभी अमेजोन पे। अभी जो है अभी मुँह हाथ धो लिया है और ब्रेकफास्ट करते हैं। सो फ्रेश गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है सीधे पहाड़ से, मैं आपका अपना रिंकू पहाड़ी। और अगर आपको ये मंगाना है वो कुल्फी का फ्लेवर, जिसमें मतलब आपको केवल दूध की ज़रूरत पड़ती है और बस शायद दूध की ज़रूरत और कुछ नहीं, और उसमें आपको फ्लेवर कुल्फी का डालना पड़ता है, तो लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। 60-70 रुपये का है और उसमें शायद आपके 5-6 कुल्फी आराम से बन जाएगी। तो हम भैंस बांध के आते हैं, भैंस गुड़िया को पानी पिलाएंगे आज फिर से, उसके बाद हम जाएंगे अपने प्याज खेड़ने के लिए, जहाँ हमारे छक प्याज हो गए हैं और छक लहसुन हो गए हैं। आज का जो ब्रेकफास्ट है हमारा, आज का बहुत स्पेशल सब्जी है पहाड़ों की। क्या ये, अरे भाई साहब क्या ये, अरे यार भूल जाता हूँ, माई भूजी ना क्या चुआ, पापड़ जी, पापड़ की सब्जी बनी है आज। और यही है अचार है और ये वादियाँ हैं, सुंदर से नज़ारे हैं। तो करते हैं ब्रेकफास्ट और फिर मिलते हैं आपको आगे के काम में। मेरा नज़ जैसे खिसक गई पैर की, पता नहीं, देखना पड़ेगा। खेत में भी जाना है मुझे, नीचे वाले खेत में, जो हमारा मार्केट साइड खेत है मतलब रोड साइड पे, तो वहाँ पे जो है लहसुन वगैरह कुछ तो हो रखे हैं, देखेंगे क्या है। फिलहाल तो रोटी 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 बस हो गया है, मुर्री मुर्री मारने में। अरे बिन्नी हमारी, बिन्नी जब रोटी खाएगी बढ़िया सी, रोटी रोटी बिन्नी, चलो पानी पीने चलो, चल 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 चल। और देखो बिन्नी भागते भाग भाग के आ रही, उसने सोचा कि मैं छूट गई हूँ पीछे, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, ना बैठ बिनी, ना बैठ चरखी माँ चरखी टू, चलो चलो पानी पीने। और बिनी को जो है पानी की प्यास लग चुकी है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के आई और हमारी गुड़िया को नहीं लगी अभी तक। तू कब पिएगी पानी गुड़िया, चल इसको बस घास वगैरह चाहिए होता है पहले। पा 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 पा। पाँ से रिगार्डिंग मुझे एक और कमेंट आया था कि रिंकू भाई जो आपको पापा सिखाया वो आपके दादाजी ने सिखाया, कह सकते हो दादाजी ने सिखा या फिर ज़्यादातर मैं माँ के साथ ही सीखा हूँ। बचपन में जब दादी थी तब उस टाइम पे भी मैं जब आते थे मैं दादी जी के साथ यहाँ पे, तो पानी मामा, अरे रुक रुक रुक, हो थोड़ा सा बच गया नहलाने को बहुत डरता है, पता नहीं क्यों, इतना नहीं डरना चाहिए इसको, पानी से डर लगता है ना। देखना कितनी भयंकर रेस लगाते हैं, बहुत तेज, देखना भी। और यहाँ से इनका मैराथन शुरू होता है, मैराथन 100 मीटर की दौड़, और पहले स्थान पर, चलो ये यहाँ से दौड़ेगी, चल 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 चल। इस तरीके से इनके लिए परफेक्ट जाली बन चुकी है और अब यहाँ से जो है हवा वगैरह आराम से पास वगैरह हो सकती है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, नहीं लगेगी मतलब इनको। और मैन फाटक बंद करना है वो वाला। अभी जो है अपने घर से आने के बाद अपने मैं यहाँ पे खेत में आया हूँ सड़क किनारे हुए, और यहाँ पे हमारे कुछ लहसुन प्याज हो रखे हैं थोड़ा बहुत, और छोटी सी हमारी ये पुंगड़ी है, इतने सारे हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, एक ठंडा माता जी के लिए। हाँ सुबह ने यार 10 रुपये वो दियो मास्क, 10 रुपये वा नहीं 20 रुपये वाज कत्ती है मीनू बाटे पर अच्छा जानी अलग जानी बजा रहा था ना भाई साहब, मास्क में हमेशा भूल जाता हूँ और फिर लगता है यार मास्क जरूरी है, इसलिए दोबारा खरीदना पड़ रहा, मतलब मैं लगा लो इसलिए बजा नहीं आता, मैं हर बार मास्क खरीदना पड़ता है। यो मारी क्यों
NIC नाइस, गौ सरकारी साइड है तो एट द रेट लिखते हैं ये दबो ना और एट द रेट। अच्छा बस इतिहास लाओ 10 रुपये ले 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 आदमी थोड़ा आदमी क्यों था तो जरा काट दें इनको। ओ खेंते बढ़िया से काट दें इनको ना ना यू या चंबा जा लियो चंपा जा लियो ओ चंपा जा लो ये बो ये बो ये ते बे में मोरे में पर सुन में पास तो यार आ तुम आओ जो बलो तो आ जाएगा मैं जाएगा तो दिन मैं जो बोले वो खटा के बा लो खटो खटो से दे ओ तो फोका खाने में दे। अभी जो है मतलब खेत में वो प्याज वगैरह लहसुन वगैरह निकालने के बाद अभी मैं आया हूँ अपनी नदी में। मैंने कहा पास में नदी है यहाँ पे अपनी रामगंगा है, इतनी देखो सुकून वाली नदी है यहाँ पे। पानी आजकल थोड़ा कम है क्योंकि बारिश कम है, इस वजह से पानी कम है। और हमारे दादाजी यहाँ पे जो है हमारे लिमड़ा लाए थे कॉबिन है पारे बजा टीप के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये किनारे किनारे लिमड़े होते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने टीपा है यहाँ पे कच्ची तथे देने की तथे देने तथे ना जो ओ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब लोग जो है यहाँ पे मतलब गाय भैंस वगैरह सब यहाँ पे देखो चराने के लिए है, तो घास वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पे दिन में अपना सब ले आते हैं गाय भैंस। हम भी ला सकते थे लेकिन हमारा बहुत दूर पड़ता है। ओ मार आहा पानी भी भाई इस टाइम पे गर्म ही है, नहाने की इच्छा कर रही बढ़ गया है वो लाइन है ना अपने सामान। अपना रहता था नहाने का बढ़िया सा, बट रेता बजरी आ चुका है इस चक्कर में, देख रहे हो पूरा भर गया है। नदी आई थी ना 20 हफ्ते पहले पूरी, इस चक्कर में नहाना हो नहीं रहा। अब तो लेके चलते हैं बढ़िया लिमड़ा और देखते हैं भात में बनाएंगे या शाम को बनाएंगे, वो तो घर जाके पता चलेगा। ये देखिए हमारे गांव गट्टू, जिसको हम जो है हाफ नेपाली भी बोलते हैं, क्योंकि तो देखिए इसकी आँखें मतलब हमसे ज़्यादा छोटी है। हम तो चलो ठीक है फिर भी ऐसे हैं, इसकी तो बहुत छोटी है। क्या गिस क्यों क्यों गोंजू कुड़जू बोल ना क्यों पता कुड़जू, अरे वो पिलो पिलो और नीलो क्यों ना हूँ पता नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ब्लूबेरी क्या बोलते हैं। हाँ ये लहसुन प्याज लेने के बाद सब मैं लाया बाजार से, माँ जी खाली हाथ आई थी वहाँ। तो जो है अभी घर पे आया हूँ और कपिल के जो है चप्पल मतलब आज पहुँच गए थे गैरसेन में, वहाँ से मतलब गैरसेन में आए थे, ऑनलाइन पेमेंट किया था, बट जो है क्या बोलते हैं 200 रुपये अभी कपिल के खो गए हैं, तो उसके लिए जो हमारी चाची जो है लूण मंतर रही है कल में करूंगा सोची। तो कपिल ने 200 रुपये रखे थे अपने पास, 100 का 50 का और 3 नोट 50 के 10 के 5 10 के सब गायब हो गए। 3 नोट 50 किसने चोरा होगा? 3 नोट 50 मिल भी सकते हैं किसी ने चोर दिया दादा। चाची लूड़ मंत्र ने कहा चाहिए के अरे मैं आनी लोग आए मतलब मिल जाने के भी था चोरे उनके चोरे नहीं मतलब अगर कबूर वरो करो तो मिल भी सकन मेरे का किलो कहने में हो यार नहीं खोल। तो चाची जो है उसके लिए लूण मंतर रही है और बताएगी कि पैसा कहाँ है, किसने छुपाया है, वो सब पता चलेगा। तो जो है कपिल को बोला गया कि एक नमक जो है बाट में फोड़ेगा, एक चुलाने में डालेगा और एक गिच में डालेगा, उसके बाद जो है उसके 200 रुपये मिलने की संभावना है। तब तक चप्पल भी नहीं आएगा, चप्पल भी है भाई कॉल होने का नहीं क्या दे है फैशन वाक हो क्या कहते हैं चप्पल चो अरे वो तो घसारीवा नहीं बोलता हूँ दुकान में वक नहीं बोलता हूँ दुकान में टाइम हो चला है हमारा आग जलाने का पानी भरने का और करते हैं चालू क्योंकि माता जी आएंगे फिर गॉड से और आपको आग जला के भी दिखाऊंगा मैं आज, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि रिंकू भाई आप आग की बात करते हो जलाते नहीं हो, आज दिखाऊंगा मैं आग कैसे जलाते हैं।
लकड़ियाँ मैंने जो है दिन में रखी थी सारी यहाँ पे, मैं दिन में थोड़ी देर पहले मैंने रखी थी जब मैं अब पानी भर रहा था, और इसको जलाएंगे। गरम पानी हम सबके लिए, सारे परिवार वालों के लिए, क्योंकि आजकल जो है नलके का पानी भी साफ होता है, बट गरम पानी तो गरम पानी है। बिद्दी का देखो आटा भी गूंथ चुकी है बिद्दी, गुड जॉब बिद्दी, गुड जॉब। जो हमारे यहाँ खाना होता है वो ठीक होता है करीबन 9:30 बजे, हाँ 9:30 बजे हम लोग अपना खाना ख़त्म करके 10-10:30 बजे तक पुट सो जाते हैं। और ये हमारी आग धधक रही है यहाँ पे, तो जब तक जो है पानी गर्म होता है मैं फटाक से सब्जी शायद आज चना है मेरे ख्याल से। और आज भाई जो हवा चल रही है ना इतनी मस्त वाली चल रही है, क्योंकि सारे बादल लगे हुए हैं, कोहरा जैसा लगा हुआ है डांडों में पहाड़ों में, देखिए पेड़ भी झूम रहे हैं एकदम बढ़िया से। दबेगी सुबह शाम हमेशा, अच्छा तिरुन है जी कागजी डाल में। तो ये जो है ये छीला होता है, ये जो है जंगल में मिलता है, और इससे हम लोग जो है आग जलाते हैं। सबको पता है यार, पहाड़ी लोगों को, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ ना यार। क्यों देखो कौन सा ऊपर का जो है यहाँ पे का कट जैसा गया है, कट जैसा मतलब थोड़ा वो होता है ना, ये अब सबसे ज़्यादा पीड़ा वहीं पे होती है। आई पैर भर मिल, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आगे का काम मैं चालू करता हूँ, अपलोडिंग एडिटिंग अपलोडिंग, और फिर वीडियो आप लोग देख पाओगे। बाय, टेक केयर।